नमस्कार, राम राम दोस्तों, में आप सबका स्वागत है। भाई साहब, वो कहते हैं ना कि बाढ़ ही जब खेत को खाए तो रखवाली कौन करे। ऐसा ही कुछ आजकल राजनीतिक हलकों में सुगबुगाहट है, जिसकी एक चिंगारी आप लोगों ने अभी कुछ दिनों पहले कच्चा तीवू द्वीप के रूप में देखी थी, जब भारत और श्रीलंका के बीच स्थित कच्चा तीवू द्वीप को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस को निशाने पे लिया था। दरअसल एक आरटीआई के जवाब में बताया गया कि साल 1974 में तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने श्रीलंका की राष्ट्रपति श्रीमावो भंडार नायके के साथ एक समझौता किया था। इसी के तहत द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया गया। इसके बाद से कई मामलों पर बात हो रही है, जिसमें भारत ने कथित तौर पर अपने हिस्से दूसरे देशों को सौंपे। असल में 70 के दशक में भारत और बांग्लादेश का लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें कई ऐसे हिस्से एक दूसरे को सौंपे गए। अब बीजेपी के लिए अंडमान निकोबार समूह से कैंडिडेट विष्णु पद रे ने दावा किया कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अंडमान द्वीप समूह के कोको द्वीप को म्यांमार को गिफ्ट में दे दिया था। उन्होंने कहा कि नेहरू ने उत्तरी अंडमान के कोको द्वीप को म्यांमार को सौंप दिया। ये द्वीप अब सीधे चीन के कंट्रोल में है। दरअसल जब हम 1947 में आजाद हुए तो लक्षद्वीप अंडमान और निकोबार की तरह कोको आइलैंड की स्थिति भी स्पष्ट नहीं थी। अंग्रेज एक मजबूत स्वतंत्र भारत नहीं चाहते थे, इसलिए इन द्वीपों को भारत को देने के पक्ष में नहीं थे। अंग्रेजों ने अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए कोको पर नजरें गड़ा दी। लॉर्ड माउंटबेटन ने नेहरू से कहा कि वो इसे लीज पर ब्रिटेन को दे दें। 19 जुलाई 1947 को माउंटबेटन ने बताया कि भारत सरकार ने कोको आइलैंड पर उनकी राय मान ली है। यह नेहरू की ऐतिहासिक भूल थी। जहां सरदार पटेल ने लक्षद्वीप पर पाकिस्तानी नजर को कुंद कर दिया, वहीं नेहरू कोको द्वीप देने के लिए आसानी से मान गए। अंग्रेजों ने बाद में कोको आइलैंड वर्मा को दे दिया। एक न्यूज एजेंसी से बातचीत के दौरान रे ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने बीते 70 सालों में कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। आज केंद्र सरकार कैंपबेल खाड़ी में चीन से मुकाबले के लिए एक शिपयार्ड और 2 डिफेंस हवाई अड्डे बना रही है। तो क्या है ये मामला, जानने के लिए अंत तक हमारे साथ बने रहिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी प्रेस करके हमेशा हमारे साथ देते रहिए। तो भाई साहब, चीन की चालबाजी और बदनीयती से तो हम सब वाकिफ हैं। अब वह हमारी नाक के नीचे समंदर में जमीन तलाश रहा है। इसकी सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। कोलकाता से महज 1,255 किलोमीटर दूर कोको आइलैंड पर दिन रात काम चल रहा है। इस पर अलग अलग बातें मिलती हैं। ये कभी अंडमान निकोबार द्वीप समूह का ही हिस्सा था, लेकिन अंग्रेजों ने इसे बर्मा को दे दिया। बर्मा यानी म्यांमार। जापान ने 1942 में इस पर कब्जा तो कर लिया, लेकिन 1948 में दोबारा म्यांमार को दे दिया। और बर्मा के सैनिक तानाशाहों ने अपनी जेब और गोला बारूद के लिए कोको आइलैंड का इस्तेमाल चीन को करने दिया। कहने के लिए तो ये द्वीप बर्मा का है, पर यहाँ जारी मिलिट्री एक्टिविटी चीन की मालूम पड़ती है। वहीं चीन, जिससे हम लद्दाख से लेके अरुणाचल तक 3,488 किलोमीटर के दायरे में आमने सामने है, इस चीन ने कोको आइलैंड पर नापाक हरकत शुरू कर दी है। अगर इतिहास में थोड़ा पीछे जाएं तो 19वीं सदी में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय क्रांतिकारियों को सजा देने के लिए जब अंडमान द्वीप को चुना, तो यहाँ रहने वाले कैदियों और बाकी स्टाफ के लिए कोको आइलैंड से अनाज सब्जियां आती थी, जिन्हें उगाने के झंझट से बचने के लिए कथित तौर पर ब्रिटिशर्स ने इस द्वीप को बर्मा के एक प्रभावशाली जाद वेट परिवार को लीज पर दे दिया। फिर साल 1882 में इसे आधिकारिक तौर पर बर्मा यानी म्यांमार का हिस्सा मान दिया गया। ऐसा करके देश के आजाद होने से पहले ब्रिटिश सरकार ने जानबूझकर कोको आइलैंड को भारत से अलग कर दिया, ताकि भारत सामरिक तौर पर उतना मजबूत ना हो सके। द ट्रिब्यून में इसे लेकर एक लेख छपा था, जिसमें ब्रिटिश सरकार की इस हरकत का जिक्र करते हुए बताया गया था कि ब्रिटिश आर्मी के ज्वाइंट प्लानिंग स्टाफ ने पहले ही यह फैसला ले लिया था। तब एक से दूसरे हाथ जाते हुए इस द्वीप समूह पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। म्यांमार का हिस्सा होने के बाद वहां के सैन्य कमांडर जनरल ने इसे पीनल कॉलोनी बना दिया। यहाँ कैदी और विद्रोही रखे जाते थे, लेकिन 70 के दशक में इसमें बदलाव हुआ। ये वो वक्त था जब चीनियों ने इस द्वीप में दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी थी। म्यांमार लंबे समय से राजनीतिक और आर्थिक तौर पर अस्थिर है। यहाँ रहने वाले रोहिंग्या मुसलमानों ने यहाँ की स्थानीय बौद्ध आबादी को कभी स्वीकार नहीं किया। दोनों के बीच तनाव चलता रहता है। नतीजा यह हुआ कि म्यांमार कभी भी इकोनॉमिक तौर पर मजबूत नहीं हो सका।
समुद्र के बीच छोटे से जमीन के टुकड़े के अपने कई फायदे हैं, जिसकी वजह से इसे लेने के लिए देशों के बीच रसाकशी होती है। कोको द्वीप के साथ भी यही मामला है। द गार्जियन की एक रिपोर्ट के अनुसार इसके सामरिक महत्व को देखते हुए चीन ने म्यांमार को भारी कर्ज दिया, यहाँ तक कि साल 2020 से पहले ही उस पर कुल कर्ज में 40% चीन का था। ये लगातार बढ़ा। ऐसी स्थिति में म्यांमार सरकार लगभग मजबूर हो गई कि वह चीन को अपने यहाँ आने दे, और तब चीन ने इसे लीज पर लिया और यहाँ सैन्य गतिविधियां करने लगा। यहाँ जेटी, नेवल सर्विस और इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सिस्टम बन गया, और अब चीन अपना महाविनाशक चेंगदू J-20 फाइटर जेट यहाँ उतार सकता है। चीन बर्मा इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम पर हम पर नकेल कसने की कोशिश का माकूल जवाब देना होगा। चीन लंबे समय से स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की पॉलिसी पर काम कर रहा है ताकि भारत को घेर सके। दरअसल चीन समंदर में तो हमसे तगड़ा है, लेकिन ग्लोबल घेरेबंदी से उसकी सांस फूल रही है। दक्षिण चीन सागर और प्रशांत महासागर में क्वाड और अकूस मजबूती से आपसी सैन्य रिश्ते बढ़ा रहे हैं। इसलिए चीन ने बर्मा को पैसे देकर कोको द्वीप का इस्तेमाल भारत के खिलाफ साजिश रचने के लिए किया है। कुछ खबरों के मुताबिक बर्मा ने 1992 में ही पीपल्स लिबरेशन आर्मी को यहाँ बेस बनाने की इजाजत दे दी थी, लेकिन कागज पर ना तो बर्मा और ना ही चीन इसकी तस्दीक करते हैं। कोको आइलैंड पर आधिपत्य का मतलब है कि मलक्का की खाड़ी पर नियंत्रण और हिंद महासागर पर पैनी नजर। जिस तरह के जासूसी उपकरणों की तस्वीर सामने आ रही है, उससे आशंका बनती है कि यहाँ से इसरो के लॉन्च साइट श्रीहरिकोटा और DRDO के लॉन्च साइट चांदीपुर पर भी नजर रखी जा सकती है। म्यांमार में चीन के कई दूसरे प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं, जैसे क्याउ क्यू पोर्ट। यहाँ से चीनी नौसेना भारतीय परमाणु पनडुब्बियों की गतिविधियों को ट्रैक कर सकती है। ऐसा नहीं है कि हमारी तैयारियां कम है। अंडमान निकोबार में हमारा इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड है, जो जल नभ थल से हमारी सीमाओं की रक्षा करने के लिए मुस्तैद है, लेकिन महज कुछ दूरी पर घात लगाए बैठे दुश्मन की जासूसी निगाहों को अंधा करना असली चुनौती है। कोको आइलैंड पर सिग्नल इंटेलिजेंस की तैनाती तो पुरानी है, लेकिन रनवे और हैंगर हैरान करने वाला है। ऐसे में अगर इस द्वीप के गिफ्ट में दिए जाने की बात चिंगारी बनकर उभर रही है, तो उसमें भी वह चिंता छिपी है जो राष्ट्रहित से जुड़ी है। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ऐसी ही अन्य जानकारियों को लेकर मैं फिर से होती हूँ हाजिर। तब तक के लिए राम राम दोस्तों।